Hey, good morning guys, welcome to another vlog. So आज दिन है मंडे और अभी बज रहे हैं 9:30 AM और जैसे पता है कि संडे के बाद मंडे आता है. मंडे को आई गेस सारे वर्ल्ड में जिनका भी होता है सबको मंडे पसंद नहीं होता है क्योंकि संडे का रेस्ट करने के बाद मंडे आता है और मंडे को फटाफट सब कोई रेडी होके और अपने काम के लिए निकलता है जहाँ जहाँ वो अब जिनका जिनका जो काम है. और अभी बस अब सो के उठे हैं रात को. यस्टरडे वाज वेरी टायर्ड और बहुत मतलब कि थके हुए थे जो रात को सोए हैं 12 बजे और डायरेक्ट उठे हैं अभी और बीच में कोई नींद नहीं टूटी और अभी भी मैं टायर्ड लग रहा हूँ और मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा वो भारी लग रहा होगा आपको. इसलिए अब जल्दी से शावर लेते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं काम की ओर. और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और जय श्री राम, ओम नमः शिवाय और मिलते हैं आप. तो अभी बज रहे हैं 11 और ऑल सेट, अब निकलते हैं. शावर डन, ब्रेकफास्ट डन और पूजा डन, उसके बाद अब निकलते हैं. आज का वेदर थोड़ा सही है और आज धूप नहीं लग रहा है क्योंकि अभी मैं बाहर देख रहा हूँ तो सही लग रहा है. और अब निकलते हैं शॉप की ओर, वहाँ जाते हैं काम करते हैं क्योंकि सैटरडे संडे दोनों का वर्क पेंडिंग होता है, मंडे को सारा काम करना होता है. सो अब जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है. ओके, अब मिलते हैं आपसे. सो अभी अपने पार्किंग में आ गए हैं और यहाँ से अपनी सवारी उठाएंगे और अब निकलते हैं. और सभी यही आएगा क्योंकि एक ही रहता है ना, एक चीज़ व्हीकल तो थोड़ी ना. अब जिनके पास एक दो होता होगा, मेरे पास तो एक ही है. और अब वेदर अपडेट दिखाता हूँ, एक नंबर लग रहा है. यस, ऑल सेट. आज धूप नहीं है बिल्कुल भी और पीरियड भी थोड़ा बढ़ गया है फिर से. टाइम टू ट्रिम और देखते हैं टाइम मिलता है तो करवाते हैं. अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी सारे काम, अभी फर्स्ट हाफ वाला काम हो गया है और अभी बैठे हुए हैं. अभी लंच मैं करूँगा और लंच करने का थोड़ा टाइम मेरा इधर उधर होता है. जनरली मेरे हिसाब से 2-3 घंटे ब्रेक पार्ट लेना चाहिए लेकिन थोड़ा टाइमिंग इशू रहता है, थोड़ा काम वाम रहता है तो फिर थोड़ा इधर उधर रहता है और दोपहर में जनरली खाने का मन भी नहीं करता है तो इसलिए भी थोड़ा डिले हो जाता है. और जो मैंने आज ऑर्डर किया है वो है ऑमलेट एंड चिकन स्टफ. सो अभी इसको फिनिश करते हैं और इसको ख़त्म करके फिर. सो अभी रात के बज रहे हैं 8 और अभी सारा काम वाम ख़त्म हो गया. आज का जो था, जो सिनेरियो था, जो सीन था वो सब ख़त्म हो गया है और अभी बैठे हुए हैं, सब चिल कर रहे हैं. और अभी थोड़ी देर में फिर आधे घंटे 40 मिनट के बाद जाएंगे जिम में ट्रेन करेंगे, उसके बाद फिर घर आएंगे. और आज का भी डे नॉर्मली था, ऐसा कुछ था नहीं. और आप सबका कैसा दिन रहा आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना. और आपने क्या क्या किया, आप क्या नहीं किया सब बताना. और आज का दिन भी हेक्टिक था गाइस, और बिना हेक्टिक का मज़ा नहीं आता है. और लाइफ में आप काम नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा. तो काम करना चाहिए और ख़ुद को बिजी रखो तो आपको दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगेगा. जस्ट लाइक कि खाली घर शैतान का, सॉरी खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं जिसे, उस ऐसा ही आप खुद को बिजी रखोगे तो आपको सुबह से शाम कब हो जाएगा, रात कब हो जाएगा, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा. और अब जाएंगे घर, वहाँ से घर से फिर रेडी करेंगे बैग, उसका फिर जिम के लिए निकलेंगे. अभी जो ये मैं ट्रेन कर रहा हूँ ये है वेटेड स्क्वाट्स, ये मैं सुपर सेट करूँगा. इसका लगातार 4 सुपर सेट होगा, चारों अलग अलग मसल्स ग्रुप के टारगेट करेगा और ये मैं सुपर सेट कर रहा हूँ. ये इसको कहते हैं वेटेड स्क्वाट्स. ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है सुमो डेडलिफ्ट. ये आपके हैमस्ट्रिंग पे अफेक्ट करता है, ग्लूट्स पे करता है और आपके बैक पे करता है और ये क्वाड्स को ग्रो करने में भी आपका हेल्प करता है. इसका आप सुपर सेट भी कर सकते हो. अब ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है लेग कर्ल. ये आपके डायरेक्ट हैमस्ट्रिंग पे इफेक्ट करेगा और आपको पावर देगा और आपका लेग्स को ओवरऑल ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा और ये स्ट्रेंथ भी देता है और आपका बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आप इसको कर सकते हो आराम से.
स्लो करना मूवमेंट ज़्यादा बेटर आएगा, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना स्लो करोगे उतना ज़्यादा ही आपको इफेक्टिव होगा। ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है लेग्स एक्सटेंशन। ये आपके कोर्ड्स को आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है आपके लेग्स में। और ये चारों मैंने सुपर सेट परफॉर्म किया है, सब अलग अलग जगह पे था इसलिए मैंने स्टॉप करके रिकॉर्डिंग किया है। आप इसको लगातार करना, बहुत मजा आएगा और अब इसके बाद आपको लेग्स का आपका किल हो जाएगा सीरियसली। सो रात के बज रहे हैं 10:30 एज यूजुअल, जिम से वापस आ गए हैं और आज का जो सेशन था वो किलर था। और आज जो मैंने मसल जो ट्रेन किया है वो लेग्स था, किलर, इट वाज किलर, मज़ा आ गया लेग्स करने में। ऐसा ही वर्कआउट करो मज़ा आ जाएगा। और लेग्स का बेनिफिशियल होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। यार पावर कट हो गया यार अभी बहुत पावर कट हो रहा है, पता नहीं क्यों आज, अभी जस्ट ऑफ हो गया, फिर आ गया अभी लाइन। और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है और आपका ओवरऑल मसल्स को ग्रोथ करने में आपको हेल्प करता है और ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को भी गिराने में मदद करता है। और आपका मसल जो लेग्स होता है ग्रो करता है और आपके सारे मसल्स को बेनिफिशियल रहता है। लेग्स एंड ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप नहीं करोगे तो आपको चिकन लेग्स सब कहेंगे और लीन रहेगा। यही सब बेनिफिट्स है लेग्स करने का। और आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और अभी डिनर करेंगे, उसके बाद फिर एडिटिंग करके फिर आप लोग के लिए ब्लॉग डालेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय गाइज, गुड नाइट। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू गाइज, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।